आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सोडियम वेपर लैंप के कनेक्शन करना सिखाएंगे। हमारे पास सोडियम वेपर लैंप है, इसको बोलते हैं सोडियम वेपर लैंप। क्यों बोलते हैं इसमें, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सोडियम 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 गैस भरी जाती है। एक लैंप होता है मरकरी वेपर लैंप, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, मरकरी गैस भरी जाती है। तो ये सोडियम वेपर लैंप है, ठीक है। इस लैंप में जो केप होती है इसकी, ये किस प्रकार की है, चूड़ी टाइप है, स्क्रू टाइप, और इसमें स्क्रू टाइप ही क्या लगता है, लैंप होल्डर लगता है, इसको बोलते हैं एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। और ये लैंप का प्रकार है सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप को किस प्रकार होल्डर में फिट किया जाता है, इस चूड़ियों के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। अब ये फिट हो गए, ठीक है, ये इसका होल्डर, ये है लैंप। इससे दो वायर निकलते हैं, एक फेज वायर निकलता है, एक न्यूट्रल वायर निकलता है। ये फेज और न्यूट्रल वायर से अगर डायरेक्ट अपन सप्लाई से चलाएंगे तो ये लैंप नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, कि इस लैंप की जो गैस है उसको क्या आयनाइज करने के लिए हाई करंट और हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और वो किसके माध्यम से होती है, इग्निटर और चोक के माध्यम से। तो इसमें इग्निटर चोक और एक लगाते हैं इसमें कैपेसिटर, ये लगाएंगे तो इसमें करंट कुछ समय के लिए करंट भी हाई हो जाएगा और वोल्टेज का मान भी हाई हो जाता है और ये लैंप जलने लग जाता है। लेकिन जलने पूर्ण रूप से कब जलेगा, ये कम से कम 5 से 10 मिनट का इसको पूर्ण उत्सर्जित होने में समय लग जाता है। इस चोक इग्निटर और कैपेसिटर के माध्यम से इसको अपने जलाते हैं। इसका संयोजन अपन कैसे कैसे करेंगे वो आपको हम बताएंगे, पहले सर्किट डायग्राम में बताएंगे, उसके बाद में सर्किट डायग्राम के अनुसार इसका अपन कनेक्शन करेंगे। सर्किट डायग्राम का कुछ स्टूडेंटों का कमेंट आता है कि सर जो भी प्रैक्टिकल आप बनवाते हैं उसका सर्किट डायग्राम पहले समझाएगा, तो अपन पहले सर्किट डायग्राम समझा देते, समझा दे फिर, चलो अब समझेंगे अपन पहले सोडियम वेपर लैंप का सर्किट डायग्राम, कनेक्शन सर्किट डायग्राम कैसे होता है। इस लैंप में यह है लैंप, इस लैंप में एक तो होता है फिलामेंट, यह है फिलामेंट, इसको तो बोलते हैं फिलामेंट, ये हो गया इसका कवर टोपी। इसमें लगाते हैं अपन लैंप और लैंप लगता है इसमें एडिशन स्क्रू टाइप, ये इसकी कैप हो गई, कैप जिसको अपन लैंप टोपी के नाम से भी इसको जानते हैं। ये हो गया लैंप होल्डर, ये लैंप होल्डर हो गया। इस लैंप होल्डर में बीच सेंटर पॉइंट से कनेक्शन वायर निकलता है, वो तो होता है फेज का, और लैंप होल्डर के धात्विक भाग से निकलता है वो हो जाता है न्यूट्रल। इसके दो कनेक्शन टर्मिनल निकलते हैं। अब इसका संयोजन करने के लिए आपको एक तो चाहिए चोक, चोक में निकलते हैं तीन पॉइंट, एक तो 240 वोल्ट का, एक 220 वोल्ट का और एक कॉमन। एक चाहिए आपको तीन वायर वाला इग्निटर, यह है इग्निटर। इसमें कलर कोड के अनुसार तीन वायर निकलते हैं, एक तो निकलता है रेड, एक निकलता है येलो और एक निकलता है ब्लैक। तीन वायर निकलते हैं, रेड येलो और ब्लैक। एक कनेक्शन में चाहिए आपको कैपेसिटर। अब इसको इग्निटर चोक और कैपेसिटर को आपको कैसे संयोजित करना है वो समझना है।
पहले लेंगे अपन फेज वायर। फेज वायर को कनेक्ट करना आपको कैपेसिटर के एक वायर से। फेज वायर को कैपेसिटर किससे कनेक्ट करने के बाद जो इग्निटर का रेड वायर होता है उससे कनेक्ट करके अपन दे देंगे 240 वोल्ट वाले टर्मिनल। अब जो इग्निटर में वाई कलर का जो वायर होता है उसको दौड़ देंगे अपन चौक के 220 वाले टर्मिनल पॉइंट। अब अपना ये जो कॉमन पॉइंट है इससे अपन वायर निकालेंगे फेज वायर और लैंप के फेज वायर से कनेक्ट कर, ठीक है। उसके बाद में आपको उठाना है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को पहले जोड़ेंगे कैपेसिटर में, कैपेसिटर के बाद में इग्निटर के ब्लैक वायर से कनेक्ट करके अपन लैंप के न्यूट्रल वायर से जोड़ें। ये है कैपेसिटर, यह है इग्निटर, यह है चौक और यह है लैंप। लैंप के अंदर ये फिलामेंट, ये इसके कैप और ये होल्डर, और यहां से अपन 240 वोल्ट एसी सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे लैंप को, तो ये धीरे 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 उत्सर्जित होने लगेगा, जलने लगेगा और 2 से 5 मिनट 7 मिनट में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। अब इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे और लैंप जलाकर दिखाएंगे। अब अपन सर्किट डायग्राम के अनुसार सोडियम वेपर लैंप के कनेक्शन करेंगे। ये अपने पास सोडियम वेपर लैंप है, ये इसका चौक है और ये कैपेसिटर और ये है इग्निटर। ये लैंप है 400 वाट का, 400 वाट के लैंप के अनुसार ही आपको 400 वाट का चौक काम में लेना है और 40 से 50 माइक्रोफेरेट का आपको कैपेसिटर लगाना है और ये इग्निटर है। इग्निटर में 3 वायर निकलते हैं, रेड, येलो और ब्लैक। अब आपको कनेक्शन कैसे करना है, सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको पहले एक फेज वायर उठाना है, ये रेड कलर का है, ये फेज वायर है। फेज वायर को आपको कहां जोड़ना है, कैपेसिटर में, ठीक है। और कैपेसिटर फेज वायर के साथ आपको इग्निटर, इग्निटर का रेड कलर का वायर आपको इसके साथ कनेक्ट करके, कैसे कैसे किया, फेज वायर लिया, एक कैपेसिटर का वायर ले लिया, कैपेसिटर के साथ इग्निटर का रेड वाला वायर ले लिया और इसको तो अपन जोड़ देंगे। इस चौक में 3 टैपिंग निकली हुई है, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट और एक कॉमन, तो इसको तो जोड़ देंगे अपन 240 से। इसको 240 से जोड़ने के बाद आपको इग्निटर से येलो कलर का वायर लेना है, ये अपना इग्निटर। इग्निटर में कितने वायर निकल रहे हैं, 3। अब ये येलो कलर का आपको जोड़ना है 220 में, ये 220 वाली टैपिंग, 220 वाली टैपिंग में येलो कलर का वायर कनेक्ट कर देना है। अब जो एक कॉमन टैपिंग है इसमें अपन क्या करेंगे, फेज वायर लेंगे यहां से और वो दे देंगे लैंप को। ये दे दिया कॉमन, कॉमन से उठाया वायर और ये दे दिया लैंप के फेज में, ठीक है। तो लैंप को फेज वायर तो मिल गया। अब न्यूट्रल वायर लेना आपको, ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर है, इसमें एक तो जोड़ देंगे कैपेसिटर, एक इग्निटर का ब्लैक वायर और यहीं से दे देंगे अपन इसको न्यूट्रल वायर, यह है न्यूट्रल। अब इसके पास फेज भी पहुंच गया और न्यूट्रल भी पहुंच गया। अब अपन सप्लाई को इससे कनेक्ट करेंगे और लैंप को, अब इस लैंप को पहले अपन करेंगे इस बॉक्स में फिट। इसका जो बॉक्स है अपने पास इसमें इसको कर देते हैं फिट, और फिट करने के बाद इसमें लैंप संयोजित करेंगे, लैंप संयोजित करके इसको चलाएंगे।
स्क्रू छोटा दें, छोटा स्क्रू। अब हमने इसकी फ्रेम में लैंप होल्डर को फिट कर दिया है। लैंप होल्डर में क्या फिट करेंगे अपने? लैंप को। लैंप को फिट करने के बाद, क्योंकि ये जब चलेगा लैंप तो ये गर्म हो जाता है। इसके ऊपर इसका ग्लास है वो लगा देंगे और फिर इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और फिर आपको जलाकर दिखाएंगे। ये ग्लास रखने के बाद इसको अपने लॉक कर देंगे यहां। लॉक कर दो इसको। हिट हो गया? यस सर। अब इसको अपने सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और ये लैंप जो जल रहा है इसको तो बंद कर देंगे और इस सोडियम वेपर लैंप को अपने जलाकर दिखाएंगे। अब अपन सप्लाई ऑन करेंगे तो ये लैंप धीरे 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 और चालू हो जाएगा। मैं सप्लाई ऑन कर दिया हूं, लैंप चालू हो गया, हल्का हल्का हो गया। कुछ समय बाद ये पूर्ण रूप से उत्सर्जित होकर के इसमें जो गैस है वो उत्सर्जित होके चालू हो जाएगा। इसको चालू होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। अब लाइट टिमटिमा रही है, कुछ समय बाद ये उत्सर्जित होने लग जाएगी इसकी गैस। और धीरे 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 ये प्रकाशित हो जाएगी। टिमटिमा रही, ये जलने लग गई है। अब धीरे 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 इसमें रोशनी बढ़ने लग जाएगी। पूर्ण रूप से प्रकाश देने में अभी भी 5 से 6 मिनट और लगेगी। धीरे धीरे प्रकाश बढ़ रहा है इसका। अब ये पूर्ण रूप से रोशनी दे रही है अपनी, पूर्ण रूप से रोशनी प्रकाशित होने लग गई है। ये अपनी ट्यूब लाइट है, ये मरकरी लैंप है और ये सोडियम वेपर लैंप है। ये जो जल रहा है ये सोडियम वेपर लैंप जल रहा है। ये इनके चौक स्टार्टर इग्निटर लगे हुए। थैंक यू, धन्यवाद। अभी इसको ऑफ कर दी गई है और ये बंद हो गई है।